बंधुओं, आगंतुकों, मैं आप सबको बाबा साहेब की 126वीं जयंती पर हार्दिक बधाई भेजता हूँ। बाबा साहब को नमन करता हूँ और फक्र करता हूँ कि इतना जिंदा दिल लोग बाबा साहब की फौज में शामिल हैं। मैं सोचता हूँ, जब मैं देख रहा था गाड़ी में एक साइड में लटक के पीछे तक मुझे लास्ट कॉर्नर नहीं दिखाई दे रहा था, जब मुझे लास्ट मोटरसाइकिल नहीं दिखाई दे रही थी, मैं बड़ा हतप्रभ था, मुझे बड़ी हैरानी थी इस बात के लिए कि वो लोग जिनके लिए खबरें आती हैं कि एक दलित दुल्हे को घोड़ी से उतार करके पीट दिया गया, देखिए उनका कारवां कितना लंबा है, उन लोगों की हिम्मत देखिए, उन लोगों का जज्बा देखिए। जब संविधान सभा बनी, 389 लोग संविधान सभा में बैठे, उनके पास जिम्मेदारी थी कि आगे सदियों सदियों तक भारत कैसे रहेगा, आगे सदियों सदियों तक भारत का बच्चा बच्चा जो बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा, फिर बच्चे पैदा होंगे, फिर बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर मरेंगे, वो सदियों तक भारत कैसे रहेगा। इसके लिए जो नियम बनाने थे, जो कानून बनाने थे, जो तरीके तय करने थे, जो परंपराएं तय करनी थी, उस पूरे दस्तावेज के लिए बड़े फख्र की बात है कि बाबा साहेब अंबेडकर को वो काम मिला। और बाबा साहेब अंबेडकर को वो काम मिला, उन 389 लोगों में बाबा साहेब अंबेडकर एक थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सबसे बड़ी बात कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका भी पढ़ा था। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसके 600 साल के इतिहास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। वो बाबा साहेब अंबेडकर उस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में घुसते ही एक बहुत बड़ी मूर्ति है, वो मूर्ति बाबा साहेब अंबेडकर की है। और पता है उसके नीचे क्या लिखा है? उसके नीचे लिखा है द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। पता है किस देश में ज्ञान का प्रतीक? उस देश में ज्ञान का प्रतीक जिस देश में उस जाति के व्यक्ति को शिक्षा लेना तो दूर, ग्रंथों के हाथ लगाने तक की मनाही थी। उस देश में जिस देश में ग्रंथों को छूना तो दूर, उस सूत्र के कान में यदि एक संस्कृत का श्लोक भी गिर जाए तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए, ऐसे प्रावधान ग्रंथों में किए हुए थे। उस आदमी को दुनिया मानती है द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। ये कितनी फखर करने की बात है। मैं समझता हूँ मैं अपनी हजारों जिंदगियां बर्दान उन पर कुर्बान कर दूं, ऐसी शख्सियत बाबा साहेब अंबेडकर थे। और हमें फखर इस बात पे करना चाहिए कि वो हम में से थे, और जब वो हम में से थे तो हम में से प्रत्येक अंबेडकर है, प्रत्येक अंबेडकर है, हम में से प्रत्येक अंबेडकर है। लेकिन हम क्या करते हैं? आपको क्या लगता है इतने सुचित बुचित होने के लिए कहीं धूप तो नहीं आ रही? सब छाया में बैठे हो, इस छाया के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी? प्यास तो नहीं लगी? लगती है तो पानी मिलता है, इस पानी के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी थी? रोटी गरम गरम खा के आए हो, पेट भरा हुआ है, भूखे नहीं सोते, इसके लिए किसी ने लड़ाई लड़ी थी? सुबह सुबह बच्चा कहता है बाय बाय पापा मम्मी बाय बाय, स्कूल जाता है, इस स्कूल के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी थी? जिसने लड़ाई लड़ी उसको चप्पलों के पास बैठाया गया था, लेकिन उससे सौगंध खाई थी कि मैं मेरी पीढ़ियों को चप्पलों के पास नहीं बिठाने दूंगा। जिसने लड़ाई लड़ी थी उसको स्कूल में टिफिन से दूर रहना पड़ा था, उसको नलके से पानी पीने की मनाही थी, टीचर उसकी स्लेट को कॉपी को छूता नहीं था। लेकिन क्या आपके साथ ऐसा होता है? नहीं होता। किसने कीमत चुकाई? क्या आपने चुकाई? क्या आपने आजादी की कीमत चुकाई थी? नहीं चुकाई आपने। आपने इस आजादी की कोई कीमत नहीं चुकाई, आप फोकट में सुविधाएं ले रहे हैं। लेकिन यदि बदले में अगर आप आज भी नहीं चुकाते तो मैं आपको गद्दार कहूंगा। गद्दार वो गद्दार जो बाबा साहब के साथ गद्दारी करता है, वो गद्दार जो भारतीय संविधान के साथ गद्दारी करता है, वो गद्दार जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है। अब आप पूछेंगे देश के साथ क्यों? क्योंकि देश की 90% जनता वो है जिसने घड़े बनाए हैं, जिसने तपती दोपहरी में लोग आता है, जिसने कपड़े बुने हैं, जिसने खेतों में काम किया है, वो लोग जिसने गायें पाली हैं, भैंसें पाली हैं, दूध की नदियां बहाई हैं। अगर अगर आपका पढ़ना आपका लिखना उस आदमी के कारवां को आगे नहीं ले जाता तो मैं आपको बेकार औलादे कहूंगा बाबा साहब।
इसलिए सौगंध खाइए कि जब भी आप पानी पिए आप बताएं अपने बच्चे को कि ये पानी मुझे बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत मिला। साथियों मैं झूठी नहीं कह रहा, जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे नमक के लिए तब बाबा साहब मार पे पानी के लिए लठ मारी, उन्होंने हाथ तुड़ाया था, आपने तुड़ाया था, किसी ने तुड़ाया हाथ पानी के लिए, बाबा साहब ने तुड़ाया था। और उस वक्त जब गांधी जी नमक के लिए कानून के लिए लड़ रहे थे, कानून तोड़ने के लिए लड़ रहे थे, आपके लिए नमक जरूरी है कि आपके लिए पानी जरूरी है ये आप देखिए। तो उसकी कीमत चुकाएगा कौन? वो संघर्ष कौन सा? आप अपने एक बच्चे को बड़े छाती से लगाते हैं। बाबा साहब ने चार चार संतानें खोई थी। जब बाबा साहब विदेश से आए थे आते ही देखा कि मेरे तीन बच्चे नहीं हैं, सिर्फ एक बच्चा गंगाधर लिपटा, तो पूछा रमा मेरे तीन बच्चे कहाँ हैं? तो रमा रो दी। और उसके बावजूद भी देखिए उस आदमी का कलेजा कहता था, कैसा कलेजा था कि उसके बावजूद भी आदमी हिम्मत नहीं आ रहा। और जब आने के बाद एक बच्चा था और कोर्ट में नौकरी करने लग गया, एक दिन फिर कोई दोपहर को आया कि साहब आपका राज रतन बीमार है आप घर आइए। और जब बाबा साहब घर आए तो जैसे वो बच्चा उन्हीं का इंतजार कर रहा था और गोद में लेते ही रोज मर गया। और बाबा साहब अपनी किताब विश्वा की प्रतीक्षा में लिखते हैं, बाबा साहब की बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैंने स्वाभिमान बेचते हुए देखा है, उनके लिए मेरी सीख। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने लिखा था, कहा था नहीं लिखा था इन डायवेटिंग ऑफिसा में, और लिखा क्या था कि जब मेरा एकमात्र बच्चा मेरी गोद में मर गया तब मैं उसका अंतिम संस्कार करना चाहता था, और मैं मेरे घर पे दो मीटर अछूता कपड़ा नहीं था जिसमें मैं उसको लपेट के अंतिम संस्कार करके आ जाऊं। और उस दिन मैंने रम्मा की एकमात्र साड़ी का पल्लू फाड़ करके उस बच्चे को लपेट के मैंने अंतिम संस्कार किया। और मेरे बंधुओं बाबा साहब कहते हैं, मेरे साथियों मैं आपसे कहता हूँ कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं धरा, तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप कभी नहीं धरेंगे। लेकिन मुझे बड़ा ताजुब होता है, मैं समाज सेवा की भी अजीब सी परिभाषाएं देखता हूँ। आपने धूप में पानी की स्टॉल लगा दी, आपने समाज सेवा कर दी। मैं कहता हूँ समाज सेवा उसने की थी जिसने सबके लिए पानी का अधिकार दिया था। तो मेरा संघर्ष का मायना वो है जो बाबा साहब का है। मैं आपको एक अंतिम बात कहता हूँ, और वो बात ये कहता हूँ कि आप सब लोग बाबा साहब की वजह से यहाँ आए हैं, आप सब लोग बाबा साहब की जयंती मनाने यहाँ आए हैं, आप सब लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, सब है बाबा साहब के। जब सब अनुयायी है तो क्या आप समाज के लिए बाबा साहब की तरह से सोचते हैं? क्या आप समाज के लिए वैसे सोचते हैं जैसे बाबा साहब सोचते थे? क्या आप मानव मात्र के लिए उस तरह से सोचते हैं जैसे बाबा साहब सोचते थे? नहीं सोचते। हम सोचते हैं ड्यूटी कब जाना है, तनख्वाह कब आनी है, हमें मतलब नहीं है समाज से, हमें मतलब नहीं है बाबा साहब के सिद्धांतों से। हम तो एक दिन आते हैं और अपने अपनी डपली अपनी अपनी राग मुंडी बजा के चले जाते, हमें कोई मतलब नहीं। अगर मतलब है तो बाबा साहब की शिक्षाओं को पढ़िए, उनको समझिए, उनको अपने घर से लागू करिए। अगर आप घर से लागू नहीं कर सकते तो फिर आपकी बातें बेकार है, मैं उनको सिरे से खारिज करता हूँ। उस बात उन बातों में 5% हिस्सा है। मैं अकेली फलौदी की बात करूं तो 1000 कर्मचारी 5% हिस्सा दें तो हर साल एक मॉडल स्कूल खड़ा हो सकता है, हर साल एक मॉडल स्कूल खड़ा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? और साथियों कल मैं एक उमर मेघवंशी की पोस्ट पढ़ रहा था, वो अंतिम बात आप तक भेजता हूँ, उसके बाद स्थान ग्रहण कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि सेकंड भक्ति काल चल रहा है, कल किसी ने दूध से बाबा साहब का अभिषेक किया उनको नहलाया, परसों गंगा जल से नहलाएंगे, परले दिन आप जो बाबा रामदेव के लिए नाग रखते आते हैं ना लोग, हे बाबा भली करी, तो फिर आप बाबा साहब के जा रहे होंगे, आप दोहरे तांतियां बांध रहे होंगे। याद रखना, अगर आप बाबा साहब में विश्वास करते हैं तो आपको संविधान में विश्वास करना पड़ेगा, और संविधान में विश्वास करने के लिए दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती, आपको एक तरफा होना पड़ेगा। अगर आप एक तरफा नहीं हो सकते, कल को कहेंगे भारतीय संविधान था मेरा भला क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा? पंजाब की कमलेश कौर लंदन में रहती है, कहती है मुझे पंजाबी नहीं आती, मैं जाके माता के मत्था टेकूं मुझे पंजाबी सिखा दे, कैसे सिखा देगी? जिस दिन माता हुई थी उस दिन तो पंजाबी भी नहीं थी। आपको सोचना पड़ेगा, आपको तर्क से सोचना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको किताबों से गुजरना पड़ेगा, आपको मनन करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई दोबारा नहीं आएगा, तुम्हें तुम्हारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। वक्ता बहुत है, वक्त लंबा है, तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत साधना।